हेलो नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है अपने ब्राह्मणत्व एवं संत को जिंदा कीजिए। देवियों भाइयों, आप में से अधिकांश व्यक्ति सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ था परंतु व्याख्यान क्यों नहीं दिया, विशेष कारणवश व्याख्यान न दे सका। बेटे, मैं अपने जीवन भर प्रयोग करता रहा हूँ। कौन कौन से प्रयोग किए हैं? पहले ब्राह्मण बनने का प्रयोग किया कि ब्राह्मणत्व के क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, मैंने उस अपने जीवन में धारण करके दिखा है और पाया है कि उसमें सफलताएं भी है तथा चमत्कार भी है। ब्राह्मण जीवन किससे कहते हैं कि पायत सारे जीवन को कहते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपने खर्च कम से कम में चला सकता हो तथा अधिक से अधिक अपना धन अकल मेहनत समाज में लगा सकता है, जिससे उसके जीवन का लक्ष्य समाज का लक्ष्य पूरा होता हो। उस आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं है, वह समाज को क्या देगा? हमें यह कहना होगा कि आध्यात्मिकवादी बनने के लिए किफायतीशाली बनना होगा, ब्राह्मण बनना होगा। हमने इसका प्रयोग किया है तथा लाभ पाया है। हमने अपना खाने पीने तथा रहने का ढंग ब्राह्मण का रखा है। अपने जमीन के बाबत जो कुछ हमें मिला था उस गायत्री तपोभूमि के लिए दान कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से पेशवा ब्राह्मण की उपमा देते हुए कहा कि आपको यह जीवन जीना चाहिए। पेशवा के राम टांग के अपने गुरु की पत्नी के आदेश पर सब कुछ दे दिया था। उन्होंने भी अपने सारे गहने गायत्री तपोभूमि के लिए लगा दिए। पैसा की दृष्टि से हम खाली हाथ हो गए, परंतु शक्ति बहुत मिल गई। मित्रों, धन की और बल की शक्ति नहीं होती, वह ब्राह्मणत्व की शक्ति होती है। यह मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। मैं ब्राह्मण था और अब भी ब्राह्मण हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह ब्राह्मणत्व का चमत्कार है। इस दुनिया में मित्रों एक ही बिरादरी रह गई है जिसका नाम बनिया है, बाकी सारी बिरादरी मर गई है। एक ही जिंदा है, वह है बनिया। सारे के सारे क्षेत्र में बनिया ही बनिया छाया है, ब्राह्मण कहीं नहीं, परंतु हम ब्राह्मण है। इस हम पर हमें गर्व है तथा संतोष है। अगर कोई अपने को ब्राह्मण बना सकता हो, अपने खर्च और लागत को कम कर सकता हो तथा नियत में ब्राह्मणत्व है तो हमें प्रसन्नता होगी, परंतु आपकी नियत में तो चांडाल बसा हुआ है। आदमी को गरीब भी होना पड़ता है, यह हमने ब्राह्मण का प्रयोग करके देखा है। दूसरा वाला प्रयोग हमने किया साधु का, जिसका नाम तपस्वी है। हमने अपने सारे छिद्रों को बंद कर दिया, यह दूसरा कदम है। कांटे पर चलने वाले का नाम तपस्वी नहीं है, ठंडे पानी से नहाने वाले का नाम तपस्वी नहीं है, उस आदमी के नाम साधु और तपस्वी है जिसने अपने आप का तपस्या, उसका नाम तपस्वी है, उसका नाम साधु है। हमने अपने आप को तपाया है। अकल की दृष्टि से आदमी से ज्यादा बेईमान बहुरूपिया कोई नहीं है। हमने अपने अकल को ठीक कर लिया है। आप भी मारे डंडों से अपनी अकल को ठीक करें। हमने अपनी हर चीज को तपाया, भीतर वाले हिस्से को भी तपाया। हमने अपने मन को बुद्धि को तपाया है, पर आपकी बुद्धि तो ऐसी चांडाल है, ऐसी पिशाचिनी है कि क्या कहे। किसी के जिंदगी की समस्या को हल करने का सवाल था तो अपनी अकल अपनी बुद्धि ने ऐसी मक्कारी की कि क्या कहना। पैसे लेकर समय तक हमने केवल समाज के लिए खर्च किया, यह
कसा हुआ जीवन हमारा तपस्वी का जीवन है। मंत्रों में शक्ति है, गलत बात नहीं है। देवताओं में शक्ति है, यह भी गलत नहीं है। किंतु अगर कोई आदमी तपस्वी है तो वह हर काम को कर सकता है। अपने अनुष्ठान काल में अपने किसी से बात नहीं की, कोई भी अन्य चीज नहीं खाए जो कि रोटी एवं छाछ, बस यही दो चीज हम खाते रहे। जैसे हमने अनुष्ठान खत्म किया कि एक व्यक्ति आया जो नकली रेशम बनाते थे। उन्होंने कहा कि हमने आपको गुरु बनाएंगे। उन्होंने 125 रुपया हमारे हाथ पर रखा। इस पर हमने सोचा कि तब तो हम ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, हम मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को तो लेना चाहिए। यह आज से लगभग 35-40 साल पहले, 45-47 की बात है। उस सज्जन को लेकर हम बाजार गए। उस जमाने में ठंडी में बिछाने के लिए पुराने कपड़े के तथा रुई की आंत से बनी दरिया 2 रुपये में मिलती थी। उससे वही चीज खरीद कर जरूरतमंदों में बांट दी, पर हमने अपने लिए हमने उस स्वीकार नहीं किया। हमारी अकल एवं जो भी चीज हमारे पास थी उसे हम हमेशा बांटते चले गए। उस आदमी ने कुछ दिनों के बाद हमारे पास 200 रुपया भेजे। हमने उस गायत्री देवभूमि के मंदिर बनाने के लगा दिया। यह वह पहला आदमी था जिसने हमें पैसा भेजा था। यह घटना सुना रहा हूँ मैं आपको अपने तपस्वी जीवन की। इसी तरफ हमारे सारे कार्य होते चले गए, कोई काम हमारा रुका नहीं। एक प्रयोगवाणी के संयम का हम सुनाते हैं आपको। हम चाहते थे कि हम मौन धारण कर ले तथा बिखरी वाणी का प्रयोग कम करें। हमने जितना व्याख्यान दिया है दुनिया में शायद ही किसी आयकरी ने व्याख्यान दिए होंगे। हमारे व्याख्यानों में लोगों के कायाकल्प हो गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस के व्याख्यान से हुआ था। लेकिन जो लोग रिच का तमाशा, रिच का व्याख्यान सुनने आए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों को हम व्याख्यान देते हैं उसे सूंघ कर जब देखते हैं, सच कर को देखते हैं कि आदमी कैसा है, घटिया है या वजनदार, तो वे हमें छोटे छोटे आदमी, घटिया आदमी दिखाई पड़ते हैं। हम वजनदार आदमी दिखाई नहीं पड़ते हैं। वजनदार आदमी माने सिद्धांतों के आदमी, सिद्धांतों को सुनने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले, सिद्धांतों का जीवन में उतारने वाले कोई नहीं दिखाई पड़ते हैं। लोगों पर गुस्सा न करके अपने पर गुस्सा न करो तो क्या करो। आपको मालूम है कि जब आदमी मरने के होता है तो बहुत से आदमी मिलने आते हैं, बहुत सी शक्ति खर्च होती है। कोई कहता है कि ताऊ जी अच्छे हैं, कोई कहता है कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए। उसके बातें करने में बहुत शक्ति खर्च होती है, उसमें भीतर शक्ति बेहद खर्च होती है। इसलिए हमने विचार किया है हम मिलना बंद कर देंगे, हम अपनी वेखरी वाणी को दूसरे काम में खर्च करेंगे। वेखरी वाणी कम हो जाएगी तब पश्चाती वाणी, माध्यमा वाणी को उपयोग करेंगे ताकि हम ज़्यादा काम कर सके। बिना बातचीत किए ही ज़्यादा काम कर सकते हैं तथा वातावरण को गर्म कर सकते हैं। बेटे अरविंद घोष ने, महर्षि अरविंद ने इस प्रकार का प्रयोग किया था और सारा हिंदुस्तान गर्म हो गया था। वेखरी वाणी के माध्यम से अनावश्यक शक्तियों खर्च होती चली जाती है। इसलिए मैंने विचार किया कि जब अब उसका खर्च कम करेंगे, भगवान की शक्ति बहुत है। अब की बार मैंने प्रयोग किया, अब बोलने की बात कम करता जाऊंगा, इस काम में समय को कम खर्च करता जाऊंगा और लोगों के बात कम करता जाऊंगा। कारण अधिकांश लोग अपनी राम कहानी लेकर आते हैं, अनावश्यक भीड़ आ जाती है।
और कहते हैं कि हमारे मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बेकार की बातें लोग करते हैं, यह नहीं कि मतलब की बात करते हैं। बेकार की बातें करने में हम समय खर्च नहीं करेंगे। वाणी से बात नहीं होगी तो क्या आप निष्कुर हो जाएंगे? नहीं बेटे, हमने ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ाया है। संत उस कहते हैं जिसका मन करुणा से बला बल बड़ा हुआ होता है, जो दाढ़ी बढ़ा लेता है, रंगा हुआ कपड़ा पहन लेता है, ध्यान कर लेता है, उस संत नहीं कहते हैं। करुणा से बड़ा हुआ व्यक्ति ही संत कहलाता है। जब तक हम हैं तब तक हम समाज के लिए काम करते रहेंगे। इस हमारे पांव है जो कभी सूखेगा नहीं, जो पसीने से लथपथ हो गए हैं, थक गए हैं, हमारे प्याऊ पानी हमारे तपस्या में से उनको देते रहेंगे, उन्हें हरा भरा बनाया रखेंगे। आप सब लोग हमारे प्याऊ से पानी पी सकते हैं। ब्राह्मण संत का जीवन चलता रहेगा। हम प्याऊ बंद नहीं कर सकते। हमने एक चिकित्सालय डिस्पेंसरी खोला है। जो भी दुखी हमारे पास आए हमने उसे छाती से लगाया, अपनी बीमारी का दुख का बराबर ख्याल रखा है। संत का काम भाव संवेदना का है। हमें अपने बच्चे को खिलाया है, बच्चों को देखभाल करनी है, बच्चों का गुब्बारा बांटना है, बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। यह चीज देखकर हमको खुशी होती है। हम बच्चों के स्कूल चलाते हैं, उसका मतलब क्या है? हमारा अस्पताल चलता है, डिस्पेंसरी चलते, प्याऊ चलने के क्या मतलब है? यह आध्यात्मिक बात है, यह संत की बातें हैं। तो क्या आप संत की दुकान बंद करें देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। जब तक हम जिंदा है आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों को हमने कई बार कहा है, हजार बार कहा है कि आपकी जो समस्या है अपने आप लिख कर दे। आप आधा घंटे भी भगवान का काम नहीं ले सकते। आप कहते हैं कि हम आपके रास्ते पर चल सकते हैं। बेकार की बात मत कीजिए। तराजू हमारे पास है। हम जानते हैं कि हमारा भगवान जानता है कि आप क्या है। इसलिए हमने इस बार यह कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारा समय नष्ट करने के बजाय लिख कर दे जाए। आप यहाँ न ध्यान करने आते हैं, न पूजा करने आते हैं, न मतलब की बात करने आते हैं, केवल घूमने आते हैं, किराया खर्च करते हैं। आप हमने बेअकल समझते हैं। हम आपकी नस नस जानते हैं। इसलिए हमने एकरी वाणी से बोलना बंद कर दिया है। हमारे गुरु हमसे वेखरी वाणी से नहीं बोलते, पश्चिमी वाणी से बोलते हैं, पड़ा वाणी से बोलते हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया है और कहा है कि बेकार की राम कहानी कहकर हमारा समय क्यों खराब करते हैं? हम राम कहानी से क्या मतलब है? आप मतलब की बात कहिए। साथियों, हमारे मौन धारण करने का एक और कारण है। आप यह मत सोचिए कि मैं अपना प्याऊ बंद करने जा रहा हूँ। हमें बच्चों का खिलाने का शौक है। हमें बच्चों का प्यार करना, उन्हें दोबारा देना बहुत प्यार लगता है। स्वयं घोड़ा बनकर जाना तथा बच्चों के पेट पर बैठा लेना तथा घुमाना बहुत प्यार लगता है। हम जो भी सहायता आपकी कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे, परंतु आपको भी स्वयं में स्वतंत्रता पैदा करनी होगी। हमने कहा है कि आप उपासना करिए, जप करिए, ताकि आपको उस समय पड़ा एवं पश्चिमी वाणी से दिशा दे सको। अन्यथा मैं अपने मन की शक्ति प्रेषित करूंगा और आपको नुकसान होगा। मेरे गुरु ने व्याख्यान देने का कार्य बंद हो गया तो क्या उनकी शक्ति कम हो गई? हम नहीं बोल रहे, हमारा गुरु बोल रहे। आप भी उनकी शक्ति से बोलेंगे।
प्रणाम प्रणाम जब आप पढ़ते और लोगों को सुनाएंगे तब वह आपकी वाणी में नहीं बल्कि मेरे गुरु की वाणी में होगा जिसमें अधिक ताकत होगी। आपकी वाणी में कोई ताकत नहीं होगी। आप ऐसे ही बकवास करते रहेंगे, हम मौन हो जाएंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी पढ़ा एवं प्रसिद्धि वाणी की ताकत बढ़ जाएगी। आप मेरी उस वाणी को सुनेंगे तो आपके आंखों में पानी आएगा, पाव संवेदना जगेगी, इससे हम आपकी सहायता ज्यादा कर सकेंगे। आप क्या सोचते हैं कि आप लोगों ने पर हमारा कोई असर नहीं पड़ता है? यह हमारा मौन ब्राह्मणत्व है, यह तपस्वी की वाणी है। हमने सेवा करने में संत की प्रवृत्ति को जिंदा रखा है कि हमें समाज की सेवा करेंगे। आज व्यक्ति की सेवा ज्यादा है, समाज की सेवा गौण हो गई है। हमारे मरने के बाद आप देखेंगे कि गुरु जी के मरने के बाद उनका समय धन श्रम किसी काम में खर्च हुआ है। हमारी शक्ति एवं सामर्थ्य बच्चों को खिलाना में अस्पताल खोलकर मरीजों की सेवा में खर्च हुए हैं। हमने अभी तक समाज को 40% दिया है और लोगों को दुखियारों को 5% दिया है। अब हमारा मन है कि उसका हिस्सा बढ़ाया जा सके। जब हम मौन धारण कर लेंगे तो हमारा ब्राह्मणत्व और जाग जाएगा। उस समय हम व्यक्तियों के भी ज्यादा सेवा कर सकेंगे, ठोस सेवा कर सकेंगे। अभी तक हमारी सहानुभूति का अंश ज्यादा रहा है, सेवा का हिस्सा कम रहा है। हमने सहानुभूति दी है तथा पाई है। अगर हमने किसी की 1 किलोग्राम सेवा की है तो उसे 500 ग्राम सहानुभूति भी है। उस समय हम साधन संपन्न एवं समर्थन है, पर अगले दिनों जब जीवात्मा को हम और ऊपर उठा लेंगे तब हम अधिक सेवा कर सकेंगे। आपके लिए हमने कुछ किया है या नहीं उसका सबूत देखना हो तो दृष्टि बसा कर देखिए कि कुछ हुआ है। जो आप पाएंगे कि इसी कारण से यह 50 लाख आदमी हमसे जुड़े हैं, अन्यथा इतने आदमी कहाँ से आए? यह हम कहाँ कहते हैं कि कुछ नहीं आया? 50 लाख आदमी हमारे एक इशारे पर खड़े हो सकते हैं। इसने शक्तिपीठ कहाँ से बन गए? 50 लाख मुठिया, 50 लाख लोगों का 1 घंटे का समयदान कुछ मायने रखा है? हम अपने ब्राह्मण को फिर जिंदा करेंगे। संत दानी होते हैं, आदमी को दानी बनने के लिए संत बनना होगा। हम ब्राह्मण और संत का पुनः जिंदा करेंगे। ब्राह्मण जमा करता है, संत उसे खर्च कर देता है। हमने निश्चय किया है, विचार किया है कि जिंदगी की इन आखिरी क्षणों में अपने ब्राह्मण एवं संत को साध कर सबके लिए एक मिसाल स्थापित कर दूं। क्या हम जिंदगी भर अपने बीवी बच्चों को ही खिलाते रहेंगे जिस पर मनुष्य का भविष्य टिका है? क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे? अपने के लिए अधिक, समाज के लिए इतना कम, यह कैसे होगा? मेरे गुरु ने दुखियाओं को सेवा, समाज की सेवा कम ही की है, परंतु उसके सारे विश्व को हिला दिया है। दूसरों के दुखों को देखकर यह सोचते हैं कि उसके लिए हम क्या करें। उस समय मैं रो पड़ता हूँ तथा उसे सहायता किए बिना मेरा नहीं मानता है। इस क्रम चलेगा कि परंतु एक काम और है, इंसान को ऊंचा उठाने का। हम सोचते हैं कि जो यदि हम काम भी किया होता तो मजा आ जाता। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको हम फुटबॉल की तरफ ऊंचे उछाल दिए होते तो मजा आ जाता। आप लोगों को उछाल दे तो आप में से हर एक आदमी हनुमान ऋषि दिविश्वक वाकानंद दिखाई पड़ेगा। आप लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो रेवदास की तुलना में गरीब हो, परंतु आप इतने भारी हैं
कि आपके सिर काम नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ उठ नहीं पा रहे। मानसिक दृष्टि से एक एक बेड़िया इतनी भारी है जैसा हजार मन की हो। वैसे मैं आपको ऐसा उठाऊं, आपकी बेड़ियाओं को मैं काटूंगा, क्योंकि हमारे बाद इन बच्चों को खिलाने वाला, नर्सिंग होम चलाने वाला कहाँ से लाएंगे। यह अस्पताल बंद हो जाने पर आपको अनुभव के बिना उनको ऑपरेशन कौन करेगा। इंसान को उठाया नहीं जा सका तो बात कैसे बनेगी। इसी काम के लिए हम समय लगाना चाहते हैं। सवाल हमारे समय का है। आप तो केवल पूजा के पीछे पड़े हैं, देवी देवताओं को पीछे पड़े लगे हैं। किसी मनोकामना पूरी हो जाए, किसी दिन मेरे दिमाग में गुस्सा आ गया तो पूजा को ही बंद कर दूंगा और कहूंगा कि किसी के पीछे पड़ा है, पूजा के चक्कर में पड़ा है। पूजा से अगला चक्र जगेगा। सुन लेना कि एक दिन मैं पूजा को गालियां दूंगा। यदि यही रटना रहा कि सब कुछ पूजा में मिल जाए और यही समझता रहा कि माला घुमाने का पूजा कहते हैं, देवी देवताओं को पकड़ने का नाम पूजा है। अज्ञानी लोग, भ्रमित लोग, मनुष्य को दबाने तथा चक्कर में डालने का नाम जो पूजा कहते हैं। देवी देवता को पकड़ने में के लिए, मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए जो आपने पूजा का स्वरूप बना रखा है वह बहुत ही घटिया रूप है। पूजा ऐसी नहीं हो सकती है, ध्यान ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा कि आप लोग ने समझ रखा है कि अगरबत्तियां चढ़ाए, चावल चढ़ाए, शक्कर की गोड़ी चढ़ाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना घटिया अध्यात्म नहीं हो सकता है जैसा कि आप लोगों ने सोचा रखा है। आपकी पूजा घटिया, आपके देवताओं घटिया, सब घटिया है, उसको समझना चाहिए। हर रोज चिट्ठियां आती है, हर शाखाओं में मार काट मुझे मैनेजर बनाया। इस मैनेजर को निकालिए, हमने शाखा तथा शक्तिपीठ इसलिए नहीं बनाई थी, देवताओं को इसलिए नहीं बिठाया था कि लोगों को अहंकार बढ़े। हमने ट्रस्टी इसलिए नहीं बनाया था कि इस बर्बाद करो, हमने स्वयं गलती की। इन लोगों को मालिक ट्रस्टी बनाकर, इनके अहंकार एवं स्वार्थपरता को आगे बढ़ाकर, अब पंचायत समितियों में जिस प्रकार झगड़े होते, हमारे शक्ति पीठ में भी हर जगह चांडालपन है। हम क्या देखता नहीं, क्या हमने शक्ति पीठ इसलिए बनाई थी, पूजा इसलिए प्रारंभ की थी कि इसलिए संगठन बनाया था कि आप लोग अहंकारी बन जाए और आपस में ही एक दूसरे की टांगे खींचा कीजिए। आप ऐसी पूजा तो बंद कीजिए, पूजा मत कीजिए, यह घटियापन बंद कीजिए। आप नास्तिक हो जाए भले ही, पर आप इसी तरह से संगठन बनाना बंद कर दीजिए। आप शक्तिपीठों का बनाना बंद कर दीजिए। यहाँ हम एक बात अवश्य करेंगे कि आप आध्यात्मिक के मौलिकता सिद्धांतों को समझिए, पूजा को पीछे हटाइए, आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए। आप यह मत सोचिए कि गुरु जी ने 24 लाख का जप किया था। नहीं, हमें आपने 24 लाख के जप करने वालों का नाम बता सकेंगे ते है जो आज बिल्कुल खाली एवं छुंछ है। जप करने वाले कुछ नहीं कर सकते है। हम रावण की शक्ति, शांत की शक्ति जगाना चाहते। आप राम का नाम ले या न ले, अब तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जब माला जप करे या न करे, एक माला जप करे या 81 माला जप करें, परंतु मुख्य बात यह है कि आप अपने ब्राह्मण तत्व को जगाइए। प्याऊ को कौन चलाएगा? हनुमान चालीसा पाठ करने वालों कितनों का भला किया है?
ब्राह्मणों ने भला किया है, संतों ने भला किया है। ब्राह्मणों की वाणी में, संतों की तपस्या में बल होता है। आपको इसी प्रकार कोई मिल जाएगा तो आप नास्तिक हो जाएंगे। आप पूजा का महत्व बढ़ाए, आध्यात्मिक उन लोगों को द्वारा ही टिका हुआ है। आपने पास बैंक में धन जमा नहीं है तो चेक कैसे काट सकते हैं? आपके बैंक में पूंजी होनी चाहिए, पहले जमा तो कीजिए। कुछ केवल पूजा से ही काम चलने वाला नहीं है, हमारी सबसे बड़ी पूजा समाज की सेवा है। हमने लाखों आदमियों की ही नहीं वरद सारे विश्व की सेवा की है। हमने अपने अकल धन अनुष्ठान वर्चस्व सभी इसी में लगाया है। हमने खेती करने वालों, मकान बनाने वालों को देखा है कि सेवा के नाम पर नगणियों है। आप अकेले चले, हमारे गुरु अकेले चले हैं, हम अकेले चले हैं, आप भी अकेले चलिए। संगठन के फेर में मत पड़िए। आपको बोलना नहीं आता है, आप कहते हैं कि व्याख्यान सिखा दीजिए। आप है कौन, हम बतलाइए, भाषण में क्या होगा? आप हमारी बात मानिए। आपको बोलना नहीं आता है तो हम क्या करें? आप पोस्टमैन का काम करिए, हम बोलना सिखा देंगे। लड़कियों को सिखा दिया था महाराज, भी हम भी बोलना सिखा दिए। आप क्या करने को हमने बतलाइए। जवाहरलाल नेहरू एवं शास्त्री जी को गांधी जी की खादी बेचने को कहा था। वे घर घर जाकर खादी बेचते थे, घर घर धकेल गाड़ी लेकर जाते थे तथा लोग से कहते हैं कि आप खादी पहने, ये तो क्या ये खादी बेचने थे? हाँ बेटे, खादी बेचते थे। आप अपने आप को ही निचोड़िए, आप हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी, देखना ही मुझे ऐसा मारेंगे कि तुझे याद रखेगा। हमारा बेटा हमारी पत्नी, यही रटता रहेगा कि कुछ समाज के लिए भगवान के लिए भी करेगा। नहीं गुरुजी, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं। अरे स्वार्थी कहिए का, तेरी तो कल खराब हो गई है, अहंकार बढ़ गया है। हमने आप में से हर किसी को कहा है कि आप ब्राह्मण बनिए। नहीं गुरुजी, हमने तो चंदा इकट्ठा कर लिया तो हम क्या करेंगे उसका। आप आदमी तो बनने पहले आप आदमी बनना सीखिए। आप घटियापन छोड़िए, सुबह से शाम तक काम कीजिए, पात्रता बढ़ाइए। ऋषियों ने अपने रक्त को एक घड़े में भरा था जिससे सीता जी उत्पन्न हुई थी। आपको भी संस्कृति की सीता की खोज करनी है। समाज के लिए, संस्कृति के लिए आप भी अपना समय, अपना पैसा निकालिए, अपना रक्त निकालिए। आप अपने आप को निचोड़िए तो सही। निचोड़ने के काम नाम पर अंगूठा दिखाते हैं, त्याग के नाम पर जीभ निकालते हैं, बकवास के नाम पर, घूमने का नाम पर, बिना मतलब के अंडरबर्ड बना रहते हैं। आपने आपको निचोड़िए। आप अपने को यदि निचोड़ेंगे तो फिर देख लेना आप क्या बन चाहते हैं। हमने अपने आप को निचोड़ा तो देखिए क्या बन गए। अगर आपने अपने आप को निचोड़ दिया तो हमारा एक काम जरूर करना हो, वह यह है कि हमारे विचार, हमारी आँख को लोगों तक पहुँचाना। हम लेखक नहीं है, हमारे लिखे शब्दों में से आग निकलती है, विचारों की आग, भावनाओं की क्रांति की आग निकलती है। आप जनता की प्यासी, हम भी प्यासे हैं, हमारी विचारधाराएं आग है, हमें आग उगलते हैं। हम लेखक नहीं है, हमारे लेखनी में इस से निकलती है आग, मस्तिष्क से निकलती है आग, हमारी आँख में से निकलती है आग, हमारे विचारों की आग, भावनाओं की आग, संवेदनाओं की आग। आप घर घर पहुँचाड़ी, आप में से हर आदमी को लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल होना चाहिए। गांधी जी के आदेश पर वे खादी धकेल पर रख कर बेचने गए थे। ईसाई मिशन की महिला भी घर घर जाते हैं,
और यह कहती है कि हमारी एक पैसा की किताब जरूर खरीदिए, अगर अच्छी न लगे तो कल मैं वापस ले लूँगा। अरे यह किताब बेचना नहीं है बाबा, मेरे विचार को घर पर पहुँचना है। आप लोगों में जिम्मे हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, आप जाइए अपने को निचोड़िए, आपका घर का खर्च यदि 1000 रुपया है तो निचोड़िए उसको, और उससे बचत को ज्ञान यज्ञ के खर्च कीजिए, हमारी आग को बिखेरिए दीजिए, वातावरण को गर्म कर दीजिए, उससे अज्ञानता को जला दीजिए, आप लोग जाए और अपने आप को निचोड़िए, नान घर का पैसा खर्च कीजिए तो हम अपनी बीबी को बेच दे, बच्चे को बेच दे। चुप कंजूस कहीं के ऊपर से कहता है कि हम गरीब है, आप गरीब नहीं कंजूस है, हर आदमी के ऊपर हमारा आक्रोश है, हमें आग लग रही है और आग निचोड़ते नहीं है, इंसान को इंसान व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है। आज शक्तिपीठ प्रज्ञा पीठ जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही आदमी को अहंकार बढ़ता जा रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ते जा रहे, अब भविष्य के मालिक बनने जा रहे। हम चाहते हैं कि अब 15-20 हजार में फूस से शक्तिपीठ बना प्रज्ञापीठ बन जाते तो कम से कम लोगों का राग द्वेष अहंकार को नहीं बढ़ता। आज आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारी आग स्वयं बिखरिए, नौकरियों से नहीं सेवा से नहीं, आप जाइए एवं हमारा साहित्य पढ़िए तथा लोगों को पढ़ाइए। और हम क्या कहना चाहते थे, हम दो ही बात आपसे कहना चाहते, पहली हमारी आग को घर घर पहुँचाइए, दूसरी ब्राह्मण एवं संत को जिंदा कीजिए ताकि हमारा प्याऊ एवं अस्तपाल चल सके, ताकि लोगों को अपने बच्चों के खिला सके तथा उन्हें जिंदा रख सके, भरे हुई संस्कृति को जिंदा कर सके। आप 11 माला जपते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह जादूगरी नहीं है, किसी माला में कोई जादूगरी नहीं है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनोकामना के लिए मालाएं जादूगरी की माला में आग लगा दीजिए, आप मनोकामना की माला जादूगरी कि माला आगना चक्र जागृत करने की माला को पानी में बहा दीजिए तो क्या कर महाराज जी, आप अपने ब्राह्मणत्व को जगा दीजिए, साधु को जगा दीजिए, ताकि आप अपनी नाव स्वयं पार कर सके, अन्यथा हम यही कहेंगे कि शायद हमारा तप कम है, नहीं तो कहीं न कहीं हमें ब्राह्मण जादू मिल ही जाते। आपके पास धन नहीं है तो अपनी भावनाओं विचार श्रद्धा तो समाज में बिखरिए सकते हैं, वही बिखरिए, संत बनकर अपना परिचय दीजिए, संत दानी होता है, संत उदार होता है। हमारा मन था कि अपने बचे हुए शेष दिनों के ब्राह्मण तथा संत का काम अधिक से अधिक कर सकूं, लोगों को माध्यम वाणी से प्रारा वाणी से अधिक सेवा कर सकूं, यह हमारा मन है। मैं आपको एक ही बात कर सकता हूं कि आप अपने निचोड़िए बचत कीजिए, आपके श्रम समय धन और विचार भावना की समाज को ही जरूरत है, संस्कृति की जरूरत है, इस विशालता में खर्च मत कीजिए। अगर किसी में ब्राह्मणत्व एवं संत जिंदा है तो उसे निचोड़िए, उसे आप बिखेर लीजिए। हमने प्रार्थना की है कि यदि आप लोगों में कहीं भी किसी भी कोने में यदि ब्राह्मणत्व का या संत जिंदा हो तो वह जग जाएगा। उपासना साधना के नाम पर आप जादूगरी बंद कीजिए, देवताओं को गुमराह करने वाली मनोकामना का सिद्ध करने वाली पूजा बंद कीजिए। साधना किसी कहते हैं आपको मालूम नहीं है, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, संतोषी माता की पूजा करते हैं, यह मंत्र है न यंत्र है न पूजा है, आप हनुमान जी या संतोषी माता को साधते हैं। अरे पहले अपने आप को तो साधिए ना, पर यह तो जादूगरी आप करते हैं, वह बदमाशी के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो ठीक, यह आपकी मर्जी है,
पर यह न तो कोई मंत्र जप है न भजन है, यही मात्र धूर्तगिरी है। पूजा करने नाम पर यदि आप ऐसी बदमाशी करते हैं तो आपकी मर्जी, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप समर्पण करना सीखिए। यह मोटी मोटी बातें भी जो अपने किसी तरफ से आपसे कह दी, हमारे गुरु जी यही मर्जी है कि हम आप में से हर आदमी में ब्राह्मण तथा संत जिंदा करें। और इस यदि चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर बल हो तथा अपने अंदर ब्राह्मणत्व का और साधु हो तो वह जिंदा हो जाए। इस विदाई के अवसर पर यही कहकर हम आप लोगों को विदा कर रहे हैं। मित्रों, गुरु जी ने हमेशा दिया है, आगे भी देते रहेंगे। शर्त एक ही है कि आप अपनी ब्राह्मण तथा संत की प्रवृत्ति जिंदा करें, आप जाए एवं अपने अपने कामों में जुट जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।